है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन को लेकर फिरोजाबाद के पचोकरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जी हाँ, सीओ टूंडला अजय चौहान, थानाध्यक्ष पचोकरा संजय सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ निकाला ये मार्च। पचोकरा की विभिन्न गलियों में घूमकर पुलिस ने किया ग्रामीणों को जागरूक और ग्रामीणों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। बैरिक में 2 किलोमीटर अपनी जान की सुरक्षा कर सकते हैं। इन नियमों का पालन न करने से आप और आपके परिवार के प्राणों की संकट में पड़ सकते हैं। क्या मिलता है? गेहूं मिलता है। कितना मिलता है? ये सर क्या संदेश दिया है कि सुरक्षा के लिए? देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श करने के बाद हर देश में वही लागू है, लॉकडाउन। लॉकडाउन इसलिए लागू है, लॉकडाउन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, फेस मास्क भी इसी में लगाना है, साबुन का प्रयोग करना है हाथों को धोने में, और अगर साबुन नहीं आस पास तो सैनिटाइजर चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सामना ऐसे दुश्मन से है जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है। हल्दी होती तो हमें दिख जाते हैं, हम सतर्क रहते। काली होती तो हम बच जाते, सतर्क रहते। शेर चीता होता तो सब देख के जान जाते कि आ गया, भाग जाते, दरवाजा बंद कर लेते। ये हमारे आसपास भी होगा। मान लीजिए मैं ही संक्रमित होऊंगा तो आपको क्या मालूम? अभी मुझे भी नहीं मालूम चलेगा, 4-5 दिन 10 दिन बाद पता चलेगा। तब तक तो मैं न जाने कितने रोगों को फैला चुका हूँ। इसीलिए ये कहा जाता है कि घर में रहिए एक बार, क्योंकि 14-15 दिन में इसका आ जाता है बीमार। अगर संक्रमित हुआ कोई आदमी तो 14-15 दिन में निकल के आ जाता है। अगर एक बार 100% लॉकडाउन हो जाता और सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन हो जाए तो 20 दिन से ज़्यादा 25 दिन से ज़्यादा बीमारी ये टिक नहीं सकती थी। लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है कि लोग को 99% लोग पालन कर रहे हैं, 1% नासमझ हैं। उन्हीं नासमझों को या जानकार नहीं उनको जागरूक करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर पुलिस जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके उनको जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि आप समझिए कि सरकार ने सारी अर्थव्यवस्था आपकी जान बचाने के लिए ठप कर रखी है। क्योंकि सरकार का मानना है कि आपकी जान से बढ़ के कीमती कोई चीज़ नहीं है। पैसा तो दोबारा आ सकता है, जान दोबारा नहीं आ सकती। परिवार के सदस्य अगर चले गए 1, 2, 3, 4, इसलिए इसका पालन करना अनिवार्य है। और ये बहुत अभी अच्छी बात है कि कम मरीज हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से कम मरीज हैं, जिसकी वजह से अभी हॉस्पिटल में ठीक ज़्यादा हो रहे हैं, मर ना के बराबर रहे। अगर यही इसका लॉकडाउन न पालन किया और न लगाया गया होता, न पालन होता, तो इतने ज़्यादा मरीज होते कि डॉक्टर देख ही नहीं पाते, दवा दे नहीं पाते, और लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में मृत्यु हो रही होती है। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें आवश्यक है कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग 100% करें। सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है, पुलिस आपके हित के लिए काम कर रही है। ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, आपकी जान बचाने के लिए। जो समाज के प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग और ज़्यादातर लोग हैं जो जरा सा भी समझदार हैं, 99% आप देखिए कि पालन कर रहे हैं। 1% लोगों का हम समझा रहे हैं और आप लोगों का भी दायित्व है कि आप लोग भी समझाइए। क्योंकि इस बीमारी में समस्या ये है कि एक ना समझ भी सबको, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में 1000 सैनिक मान लीजिए चारों तरफ सुरक्षा में लगे हैं, कोई बड़ा सा गुब्बारा हो, उसमें एक लापरवाह सैनिक हो और वो पिन चुभा दे तो क्या 999 आदमियों की जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी? ऐसे ही इसमें तो इसमें हमें चाहिए कि सभी लोग मिलके इसको जागरूक करें, और जब जागरूक होगा तो हमारा देश पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा और कोरोना को हम मात देंगे।